तो दोस्तों हम लोग आटा ले लिए हैं दोस्तों, और ये रहा सब्जी दोस्तों, और ये रहा आधुनिक मसाला सब भी लाए हैं, नमक सब भी सब लाए हैं। तो चलिए अभी हम लोग सानते हैं। तो दोस्तों जो हम लोग का ताई है ना वो लग गरम हो चुका है, तो अभी हम लोग डालते हैं तेल को। ये रहा दोस्तों, देख ही सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग का रोटी जो है वो वाला बढ़िया से पक गया है दोस्तों, देख ही सकते हो। अब दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख ही सकते हो। खट्टू बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों, एकदम खाने में पूरा मजा ही आ गया। खाने में क्या ही बताएं, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों ठंडा के दिन में ये बहुत बढ़िया और बहुत आसान भी है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नया वीडियो में। दोस्तों अभी सुबह का 7 बज रहा है और आप सभी को हमारे ओर से प्यार भरा गुड मॉर्निंग दोस्तों। और छोटू भी यही जगह है, कहाँ छोटू? तो तुम गुड मॉर्निंग नहीं बोल रहा है? बोधी, अरे बोधी को कौन खाता है, एक बार हाई कर दो। अच्छा ऐसा हाई बोल रहा है दोस्तों छोटू, कहाँ छोटू? तो दोस्तों हम लोग के पास में बहुत सब्जी है दोस्तों, देख ही सकते हो। मूली है, बोधी है, फूलगोभी है, आलू है, टोटी है दोस्तों बहुत सारा सब्जी है ना। देखिए ये फूलगोभी है, और दोस्तों मूली भी है, बोधी भी है ना, आलू भी, और दोस्तों ये कच्चू, इसे तो आप लोग जानते ही होंगे, टोटी बोलते हैं दोस्तों। बोलते हैं गांव में, है ना दोस्तों। तो ये भी है, मतलब कि मिक्स वाला सब्जी बना रहे का। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों अभी काटते हैं। तो दोस्तों अभी छठू की माँ काट रही है ना, हाँ, बोधी को काट रही है। और छठू भी बोलता है मिक्स वाला सब्जी तुम खाएगा छठू? हाँ, छठू भी खाने खोज रहे। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बनल रहिए। तो दोस्तों हम लोग बोधी को काट लिए हैं, अभी आलू को भी काटते हैं। और छठू आज गुड मॉर्निंग नहीं बोला है, चलो बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं। और दोस्तों इधर छठू की माँ काट रही है ना, देखिए। हाँ आलू काट रहे हैं दोस्तों, बोधी को काट, बोधी को काट ली है और अभी आलू को काट रही है। दोस्तों अभी छठू की माँ बकरी सबको खूट रही है ना, देख सकते हैं, ये बड़ी वाली है। और दोस्तों वो सबको डहुरा दे दिए, और इसको भी अभी दे देंगे। ये पेड़ है ना दोस्तों, तो इसी का काट देते हैं तुरंत फट से। तो देखिए अभी खूट रही है ना, और ये लंगड़ी हो गई है, पैर में चोट लग गया है। दोस्तों हम लोग बकरी को खूट दिए, अभी हम लोग पल्हा को दे देते हैं, डोरा बोलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी छोटू की, और दोस्तों वो छोटे छोटा छोटा बकरी सबको सबको दे दिए, बाकी है इनका ना, देखिए ये भी खाएगी। और दोस्तों ये वाला डोरा को मस्त खाते हैं बकरी सब, देखिए दे दिए हैं, पैर में उसका प्रॉब्लम हो रखा है, क्या ही बोले। दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आटा का छिलका रोटी। दोस्तों बहुत दिन के बाद में आज बना रहे का जी। हाँ जी। तो चलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में बनल रही, हम लोग आज बनाते हैं आटा का छिलका रोटी, वो भी दोस्तों वो बहुत ही बढ़िया तरीका से। और दोस्तों हम लोग का पीछे आसपास साफ सफाई करना था, है ना दोस्तों, इधर सांप वगैरह है, एक रोज बहुत ही बड़ा सांप देखने को मिल गया था, तो दोस्तों इसीलिए हम लोग को साफ सफाई भी करना है। तो दोस्तों आज हम लोग नहीं करेंगे इसको, किसी और दिन करते हैं ना। तो हाँ। चलिए आप लोग अभी वीडियो में बनल रही का आज। हाँ जी चलिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी चलते हैं, चलिए बनाएंगे अभी। तो दोस्तों अभी हम लोग बनाएंगे, है ना। ये रहा दोस्तों हम लोग का चूल्हा, तो देख ही सकते हैं दोस्तों आग भी बढ़िया से जल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम लोग आटा ले लिए हैं दोस्तों, और ये रहा सब्जी दोस्तों, और ये रहा आधुनिक मसाला सब भी लाए हैं, नमक सब भी सब लाए हैं। तो चलिए अभी हम लोग सानते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग घोलते हैं। ये है दोस्तों पानी, तो अभी हम लोग घोल रहे हैं। तो दोस्तों हम लोग पानी डाल लिए हैं और पूरा सान रहे हैं अच्छा तरीके से। तो और पानी लेता है, तो और पानी लेगा दोस्तों इसमें आटा में। चलिए दोस्तों अभी हम लोग नमक को डालते हैं। दोस्तों हम लोग नमक को डाल दिए, चला देते हैं, और हम लोग आधुनिक मसाला को भी डालते हैं, हल्दी भी डालते हैं दोस्तों, और सब्जी को भी डालते हैं।
तो दोस्तों देख ही सकते हो हम लोग का कितना अच्छा घोरा गया है दोस्तों जो हम लोग का ताई है ना वो लग गरम हो चुका है, तो अभी हम लोग डालते हैं तेल को। तो दोस्तों हम लोग तेल को डाल दिए। दोस्तों ये वाला सखुआ का जो पत्ता है ना उसी में हम लोग अभी इसको तेल को ऐसे ऐसे करते हैं, मिला देते हैं ताई में। दोस्तों हम लोग का घोला गया है दोस्तों, और इसमें हम लोग का क्या मिलाए हैं उसको भी बता देते हैं। थोड़ा सा आधुनिक मिसाए हैं दोस्तों, हल्दी मिसाए हैं, थोड़ा सा सब्जी मिसाए हैं और आटा मिसाए हैं दोस्तों। तो चलिए अभी हम लोग डालते हैं। ये रहा दोस्तों, देख ही सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ढक को छोड़ देते हैं, आपको भी चला देते हैं दोस्तों थोड़ा सा। मुंह से फूंक रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अभी हम लोग ढक्कन को निकालते हैं, देखते हैं रोटी पक रहा है कि नहीं उसको। और ढक देते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग देखते हैं पक गया है कि नहीं उसको, ढक्कन को निकला। तो दोस्तों हम लोग का रोटी जो है वो वाला बढ़िया से पक गया है दोस्तों, देख ही सकते हो। अब दिखने में भी कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख ही सकते हो ना जी, बहुत ही मस्त लग रहा है दोस्तों, क्या ही बोले। देखिए अब पक गया थोड़ा अच्छा तरीके से। तो चलिए इसको अभी निकालते हैं काजी। चलिए रख देते हैं दोस्तों इस जगह। चलिए दोस्तों अभी हम लोग तेल को फिर से डालते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग फिर से डालते हैं। गोल कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम लोग ढक को छोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम लोग ढक्कन को निकालते हैं, और चलिए इसको भी उल्टाएंगे अभी। उलट गया दोस्तों, और हम लोग का पक गया है। अभी इसको हम लोग निकालते हैं, तो देख ही सकते हो हम लोग निकाल कर रख दिया थाली में। फिर से तेल डालते हैं दोस्तों। चलिए अभी हम लोग फिर से डालते हैं। अभी ढक को छोड़ देते हैं। तो दोस्तों ये वाला भी पक गया और उल्टा दिए दोस्तों, तो पक गया है, इसको अभी निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों ये वाला भी पक गया, इसको भी अभी उल्टा देते हैं। चलिए दोस्तों इसको भी अभी हम लोग निकालते हैं, पक गया है, पत्ता है जी सतुआ का जो पत्ता है वो ना। तो चलिए इसको भी निकालते हैं।
तो दोस्तों हम लोग अभी रोटी पका रहे हैं, वो भी आटा का छिलका रोटी, और आप लोग तो देख सकते हैं हाँ जी। छड़ू की माँ दोस्तों अभी पका रही है ना, और देखिए कितना ही मस्त लग रहा है देखने में, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों खाने में तो क्या ही बोले, मजा ही आ जाता है, और खासकर ठंडा के दिन में। हाँ जी। तो देखिए तो चलिए इसको ढक देते हैं। चलिए अभी उसको ढक रही है, ढक रही है दोस्तों। तो दोस्तों अभी छड़ू की माँ इसमें तेल डाल के पूरा मिला रही है ताई में, है ना। तो चलिए एक बार हम भी डाल के ट्राई करते हैं। चलिए अभी हम भी ट्राई करते हैं ना किस तरह से बनाते हैं, देखते हैं। हट जाओ छटू, हट जाओ। कहाँ जाएंगे, रुको रुको, और एक तो यार हो गया। जा ना दादी को बोलना, जा। हो गया। हाँ जी हो गया, रख दो रख दो। अभी हम लोग ढक को छोड़ देते हैं। दोस्तों डाल दिए हैं, चलिए अभी ढक के छोड़ देते हैं और आग सबको बढ़िया से जलाएंगे। रुको ना छटू, और एक तो है। बदमाशी करता है तू, बदमाशी करता है तू। तुम रोटी खा लिया, छटू खा लिया रोटी। जा दादी को बोलना, जा दादी को बोलना, जाओ ना। चलिए दोस्तों और एक ठो बचा हुआ है ना, तो अभी इसको भी फटाफट बनाते हैं। ये वाला को छटू को पापा डाले थे, तो देखने में उल्टेगा कि नहीं। उसको उलट गया दोस्तों। चल तो चलिए दोस्तों ये वाला को भी, तो चलिए दोस्तों ये वाला को अभी हम लोग निकालते हैं। छटू को पापा डाले थे वो वाला है। हम लोग का आखिरी रोटी है दोस्तों, खत्म हो गया, पक गया। आखिरी रोटी है दोस्तों ये वाला, और खत्म हो गया। चलिए दोस्तों अभी इसको निकालते हैं। जो आज का रोटी था वो हम लोग का कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा, हम लोग बहुत सारा रोटी पका लिए, एक थाली पूरा कम से कम 15-20 को होगा काज। हाँ जी। और छठू तुम कहाँ जा रहे हो, अभी रोटी नहीं खाए? चलो आप बैठो, इसका रोटी छठू को कुछ भी दे दो, खाता ही नहीं है। एक बार दिए थे एक रोटी, उसको भी थोड़ा सा खाया और फेंक दिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अभी खा के बताएंगे काज। हाँ जी मुझे खाइए यहीं से। हाँ क्या दिक्कत है, लीजिए ना, पकड़िए थाली वहीं से निकाल दिए। चलिए दोस्तों अभी खा के बताते हैं कैसा लगता है टेस्टी। हमको तो बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों, क्या ही बात है, बहुत एकदम मजा आ गया खाने में। चावल का जैसा ना, बहुत ही बढ़िया लगा दोस्तों, एकदम खाने में पूरा मजा ही आ गया, खाने में क्या ही बात है, बहुत ही सुंदर। और दोस्तों ठंडा के दिन में बहुत बढ़िया और बहुत आसान भी है दोस्तों बनाने के काज। हाँ जी, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है, और दोस्तों ठंडा के दिन में क्या ही बताएं, मजा ही आ जाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आज का वीडियो को यही तक रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को प्रेम पूर्वक धन्यवाद।